जिंदगी हमेशा अपने हिसाब से चलती है। ये तो हम सब जानते हैं। हम सभी ऐसे पलों का सामना करते हैं जब चीज़ें योजना के अनुसार नहीं होती हैं, जब हमारे सोच समझकर बनाए गए रास्ते अनदेखी घटनाओं से बाधित हो जाते हैं। ये पल हमें डरा सकते हैं, हमें खोया हुआ और बोझ तले दबा हुआ महसूस करा सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर बचने के बजाय हम अप्रत्याशित को अपना लें? क्या होगा अगर हम इन रुकावटों को बाधाओं के रूप में नहीं बल्कि विकास और परिवर्तन के अवसरों के रूप में देखें? अप्रत्याशित को अपनाने से नए अनुभवों और दृष्टिकोणों के द्वार खुल सकते हैं जिन पर हमने कभी विचार नहीं किया होगा। क्या होगा अगर हम भाग्य को हाँ कह दें? हमारे रास्ते में जो आता है उसे स्वीकार करके हम खुद को जीवन की धारा के विपरीत नहीं बल्कि उसके साथ बहने देते हैं। यह स्वीकृति अधिक पूर्ण और समृद्ध अस्तित्व की ओर ले जा सकती है। यह स्टोइसिज्म का मूल है, एक ऐसा दर्शन जो अराजक दुनिया में लचीलापन और खुशी के लिए बनाया गया है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हम जिस पर नियंत्रण कर सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें और जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते उसे छोड़ दें। यह हमें बाहरी परिस्थितियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने भीतर ताकत खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये समझने के बारे में है कि हम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। अपनी प्रतिक्रियाओं में महारत हासिल करके हम अपनी आंतरिक शांति और स्थिरता बनाए रख सकते हैं, तब भी जब हमारे आसपास की दुनिया उथल पुथल में हो। सोचने का यह तरीका, जिसे सेनेका जैसे प्राचीन स्टोइक्स द्वारा अपनाया गया था, आंतरिक शांति और एक अच्छे जीवन का मार्ग प्रदान करता है। सेनेका अन्य स्टोइक दार्शनिकों के साथ मानते थे कि सच्ची संतुष्टि भीतर से आती है और बाहरी घटनाओं को हमारी खुशी को निर्धारित नहीं करना चाहिए। ये तूफान में शांति, विपत्ति में शक्ति और यात्रा में आनंद खोजने के बारे में है। चाहे मंजिल कुछ भी हो, स्टोइक मानसिकता को अपनाकर हम जीवन की चुनौतियों को अनुग्रह और लचीलापन के साथ नेविगेट कर सकते हैं, हर पल में सुंदरता और अर्थ ढूंढ सकते हैं। आज स्टोइसिज्म के सिद्धांत पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। हमारी तेज तर्रार अप्रत्याशित दुनिया में प्लेन कॉन्शियंस का अभ्यास करने और स्टोइक शिक्षाओं को अपनाने से हमें जमीन से जुड़े और केंद्रित रहने में मदद मिल सकती है। जीवन को उसके सभी रूपों में स्वीकार करके हम उद्देश्य और पूर्णता की भावना पैदा कर सकते हैं। हाँ, कि शक्ति को अपनाना व्यक्तिगत विकास और आत्म सुधार की यात्रा है। ये हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने, अपने डर का सामना करने और हर अनुभव के साथ मजबूत होने की चुनौती देता है। ये यात्रा हमेशा आसान नहीं होती है, लेकिन यह हमेशा फायदेमंद होती है। और याद रखें, हमें इसे अकेले नहीं करना है। अपने आप को एक सहायक समुदाय से घेरने से बहुत फर्क पड़ सकता है। साथ मिलकर हम एक दूसरे को अप्रत्याशित को अपनाने, भाग्य को हाँ कहने और लचीलापन और आनंद के जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसीलिए जब हम अपनी यात्रा पर विचार करते हैं तो आइए हाँ की शक्ति को याद करें। आइए हर अनुभव में अर्थ, हर चुनौती में ताकत और हर पल में आनंद खोजें। ऐसा करके हम एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो न केवल अच्छी तरह से जिया जाता है बल्कि गहराई से संतोषजनक होता है। सेनेका एक रोमन दार्शनिक और राजनेता, स्टोइक दर्शन के विकास में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थे। उनकी शिक्षाएं और लेखन सदियों से चले आ रहे हैं, जो जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने के तरीके पर कालातीत ज्ञान प्रदान करते हैं। सेनेका स्टोइसिज्म के उस्ताद थे, विचारों का एक ऐसा स्कूल जो तर्कसंगतता, आत्मनियंत्रण और सद्गुण पर सच्ची खुशी के मार्ग के रूप में जोर देता है। उनका मानना था कि अपनी भावनाओं और इच्छाओं में महारत हासिल करके हम शांति और लचीलापन की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। वह अशांत समय में रहे, निर्वासन का सामना किया और अंततः नीरो द्वारा आदेशित आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। इन भारी चुनौतियों के बावजूद स्टोइक सिद्धांतों के प्रति सेनेका की प्रतिबद्धता कभी कम नहीं हुई। उनका जीवन विपत्ति का सामना करने में स्टोइक लचीलापन की शक्ति के प्रमाण
के रूप में कार्य करता है। फिर भी इस सब के माध्यम से सेनेका ने स्टोइक सिद्धांतों को अपनाया। उन्होंने सिखाया कि हमारी असली ताकत कठिनाइयों से बचने में नहीं, बल्कि हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, इसमें निहित है। अपनी आंतरिक शांति और तर्क संगतता बनाए रखकर हम सबसे कठिन परिस्थितियों को भी सहन कर सकते हैं। उन्होंने सिखाया कि भाग्य इच्छुक का नेतृत्व करता है और अनिच्छुक को घसीटता है। ये विचार घटनाओं के प्राकृतिक पाठ्यक्रम को स्वीकार करने के महत्व को रेखांकित करता है, साथ ही साथ अपने स्वयं के कार्यों और दृष्टिकोणों की जिम्मेदारी भी लेता है। ये शक्तिशाली उद्धरण भाग्य पर उनके दर्शन को समाहित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि जबकि हम अपने साथ होने वाली हर चीज़ को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, हम यह नियंत्रित कर सकते हैं कि हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। अपनी इच्छा को जीवन के प्रवाह के साथ जोड़कर हम शांति और उद्देश्य पा सकते हैं। यह निष्क्रिय स्वीकृति के बारे में नहीं है, बल्कि सक्रिय भागीदारी के बारे में है। सेनेका का मानना था कि हमें जीवन में पूरी तरह से शामिल होना चाहिए, सोच समझकर चुनाव करना चाहिए और जानबूझकर कार्रवाई करनी चाहिए। यह सक्रिय दृष्टिकोण हमें ईमानदारी और इरादे के साथ जीने की अनुमति देता है। यह समझने के बारे में है कि हम क्या नियंत्रित कर सकते हैं, हमारे विकल्प, और हम क्या नहीं कर सकते, बाहरी घटनाएं। अपने स्वयं के कार्यों और दृष्टिकोणों पर ध्यान केंद्रित करके हम बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना आंतरिक शांति और लचीलापन की भावना पैदा कर सकते हैं। इस सच्चाई को अपनाकर हम आंतरिक शांति और शक्ति को उजागर करते हैं। सेनेका की शिक्षाएं हमें बाहरी घटनाओं से प्रभावित होने के बजाय शक्ति और मार्गदर्शन के लिए अपने भीतर देखने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। एस करनानी ने हम उद्देश्य, स्पष्टता और पूर्णता का जीवन जी सकते हैं। सेनेका का दर्शन दो प्रमुख विचारों पर टिका है, तैयारी और कार्य। हमें जीवन के किसी भी मोड़ के लिए तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब है मानसिक लचीलापन पैदा करना, सद्गुण का अभ्यास करना और चुनौतियों का अनुमान लगाना। लेकिन तैयारी डर में जीने के बारे में नहीं है, यह अज्ञात का साहस और ज्ञान के साथ सामना करने के बारे में है। तैयारी के साथ साथ सेनेका कार्रवाई के महत्व पर जोर देता है। हमें भाग्य के ढांचे के भीतर सक्रिय रूप से अपने जीवन को आकार देना चाहिए। इसकी कल्पना करो, आप अपने दिन की शुरुआत एक साधारण व्यायाम से करते हैं। अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और संभावित चुनौतियों की कल्पना करो। एक कठिन बातचीत, करियर में गिरावट, स्वास्थ्य समस्या। अब कल्पना कीजिए कि आप इन परिस्थितियों को अनुग्रह, लचीलापन और ज्ञान के साथ नेविगेट कर रहे हैं। ये एक स्टोइक ध्यान तकनीक है, दिन की अनिश्चितताओं के लिए मानसिक रूप से तैयारी करने का एक तरीका। यह स्वीकार करने के बारे में है कि चुनौतियाँ अपरिहार्य हैं, लेकिन हमारी प्रतिक्रियाएं हमें परिभाषित करती हैं। भाग्य को अपनाना निष्क्रिय होने के बारे में नहीं है, ये उस शक्ति को पहचानने के बारे में है जो हम अपने भीतर अपनी नियति को आकार देने के लिए रखते हैं। ये समझने के बारे में है कि हमारे पास हमेशा एक विकल्प होता है, तब भी जब चीज़ें हमारे रास्ते पर नहीं होती हैं। जीवन हम पर चुनौतियाँ फेंकता है, लेकिन हमारे पास यह तय करने की शक्ति है कि हम उनका जवाब कैसे दें। हम अपनी प्रतिक्रिया चुन सकते हैं। हर स्थिति में, चाहे कितनी भी विकट क्यों न हो, हमारे पास अपने अगले कदम का फैसला करने की क्षमता होती है। हम अपना दृष्टिकोण चुन सकते हैं। हमारी मानसिकता हमारी वास्तविकता को आकार देती है। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखकर हम बाधाओं को अवसरों में बदल सकते हैं। हम सीखना और बढ़ना चुन सकते हैं। हर चुनौती भेष में एक सबक होती है जो हमें मजबूत और समझदार बनने का मौका देती है। यहीं से कार्रवाई शुरू होती है।
केवल अपने विकल्पों को पहचानना ही काफी नहीं है, हमें उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। हम अपने लक्ष्यों की ओर बड़े या छोटे कदम उठाते हैं, ये जानते हुए कि भाग्य की अन्य योजनाएं हो सकती हैं, लेकिन यह हमारा दृढ़ संकल्प और दृढ़ता है जो हमारी यात्रा को परिभाषित करता है। कुंजी इरादे से कार्य करना, परिवर्तन के अनुकूल होना और यात्रा में ही आनंद खोजना है। अनिश्चितताओं को गले लगाओ, क्योंकि वे साहसिक कार्य का हिस्सा हैं। हर कदम आगे, चाहे कितना भी अनिश्चित क्यों ना हो, हमें हमारी वास्तविक क्षमता के करीब लाता है। अपने कार्यों और दृष्टिकोणों पर नियंत्रण करके हम भाग्य के उतार चढ़ाव को अनुग्रह और लचीलापन के साथ नेविगेट कर सकते हैं। याद रखें, ये वह मंजिल नहीं है जो हमें परिहारिंसा में परिभाषित करती है, बल्कि वह यात्रा और रास्ते में हमारे द्वारा किए गए चुनाव हैं। भाग्य को अपनाने का सबसे चुनौतीपूर्ण लेकिन मुक्तिदायक पहलू स्वीकृति है। ये सब कुछ नियंत्रित करने, परिणामों को बाध्य करने की आवश्यकता को छोड़ने के बारे में है। इसका मतलब अपने सपनों या महत्वाकांक्षाओं को छोड़ देना नहीं है। ये वर्तमान क्षण के प्रति समर्पण करने के बारे में है, इस विश्वास के साथ कि जो कुछ भी होता है, हमारे पास उसे नेविगेट करने की ताकत और ज्ञान है। बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना शांति और संतोष पाने के लिए स्वीकृति ही कुंजी है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह हार मान लेना नहीं है? स्वतंत्र इच्छा के बारे में क्या, यहीं से स्टोइसिज्म की बारीकियां आती हैं। यह स्वतंत्र इच्छा को नकारने के बारे में नहीं है, बल्कि इसकी सीमाओं को समझने के बारे में है। हमारे पास अपने विकल्पों पर नियंत्रण है, हमारे कार्य मी बीच आचे इन माय हालांकि माँ की बाहरी घटनाएं जैसे मौसम या दूसरों के कार्य हमारे सीधे नियंत्रण से बाहर हैं। इस सच्चाई को स्वीकार करके हम खुद को अनावश्यक हताशा और पीड़ा से मुक्त करते हैं। KFC के पीछे के शख्स हार्लैंड सैंडर्स की कहानी पर गौर करें। उन्होंने अपने 60 के दशक में अपनी नौकरी खोने सहित कई असफलताओं का सामना किया। अधिकांश लोग इसे हार मानने के संकेत के रूप में देखेंगे, लेकिन सैंडर्स ने अप्रत्याशित को अपनाया। वह अपने सिग्नेचर फ्राइड चिकन रेसिपी को सड़क पर ले गया, एक के बाद एक अस्वीकृति का सामना किया। फिर भी उन्होंने अपने दृष्टिकोण को अपनाते हुए तब तक दृढ़ता दिखाई जब तक कि उन्हें सफलता नहीं मिली। सैंडर्स की कहानी भाग्य के उतार चढ़ाव को अपनाने के स्टोइक सिद्धांत का प्रतीक है। भाग्य को अपनाने के लाभ गहन है, जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते, उसे स्वीकार करके हम चिंता और तनाव को कम करते हैं। अपनी प्रतिक्रियाओं और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करके हम एजेंसी और सशक्तिकरण की भावना प्राप्त करते हैं। यह मानसिकता लचीलापन को बढ़ावा देती है, जिससे हम असफलताओं से अनुग्रह और दृढ़ संकल्प के साथ वापस उछाल सकते हैं। यह जीवन की यात्रा के लिए उसके सभी उतार चढ़ावों के साथ एक गहरी प्रशंसा पैदा करता है। अंततः भाग्य को अपनाना अधिक शांति, आनंद और पूर्णता का मार्ग है। छोटी शुरुआत करें, हर सुबह यह स्वीकार करने के लिए कुछ समय निकालें कि हो सकता है कि दिन योजना के अनुसार न गुजरे। इस अनिश्चितता को गले लगाओ, इसे विकास, रोमांच के लिए अप्रत्याशित आनंद के अवसर के रूप में देखें। दिन भर जब चुनौतियों का सामना करना पड़े तो प्रतिक्रिया करने से पहले रुकें, अपने आप से पूछें, यहां मेरे नियंत्रण में क्या है? अपनी ऊर्जा को अपनी प्रतिक्रिया, अपने दृष्टिकोण, अपने कार्यों पर केंद्रित करें। सेनेका के शब्दों को याद रखें, भाग्य इच्छुक का नेतृत्व करता है और अनिच्छुक को घसीटता है। तैयार रहना चुनें, अज्ञात को अपनाने के लिए भाग्य के साथ नृत्य करने के लिए चुनें। जो है उसे समर्पण करने में आपको एक ऐसी ताकत मिलेगी जो आप जानते भी नहीं थे कि आपके पास है, एक ऐसी शांति जो समझ से
परे है और एक ऐसा जीवन जो वास्तव में जिया गया है। तो आगे बढ़ो और अपने भाग्य को गले लगाओ, यह आपका इंतज़ार कर रहा है।